हेलो, कोई बात नहीं। दोज आर सिटिंग ऑनलाइन, अगेन वी रिग्रेट दैट माइक वॉज ऑफ। इफ यू कैन लिसन टू मी राइट नाउ, यू कैन सेंड योर रिप्लाई इफ इट इज ऑडिबल नाउ, हरमन एंड द पार्टी। ओके, चलो आप स्टार्ट कर दें। व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन अकॉर्डिंग टू यू? क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन? कोई भी आंसर दो, इन हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश एंड लैंग्वेज, नो प्रॉब्लम। कॉम्प्रिहेंशन तो सोल्व करें। अब ये तो है नहीं, पहली बार देखे हो, सिक्स टू ऑनवर्ड्स कॉम्प्रिहेंशन शुरू कर दिए होंगे, और मे बी फोर्थ। तो क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन? वेरी गुड, पहले को देख के, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? कुछ भी गलत नहीं, बिल्कुल ठीक ही है। समरी देना, समरी नोट मेकिंग में आ जाएगी, है ना? नोट मेकिंग भी, नोट मेकिंग भी कर वो प्लस वन में आ जाएगी आपको। नोट मेकिंग 10th 9th में तो नहीं आई थिंक आप, है नोट मेकिंग? अच्छा, तो प्लस वन में तो होती है, सीबीएसई में प्लस वन में नोट मेकिंग है। ओके, व्हाट एल्स? हाँ जी, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? वेरी गुड, आई थिंक इट वुड बी द सेम आंसर, एलोबरेटेड वन, दैट वी आर गिवन अ स्टेंजा और ए पैराग्राफ, वी आर टू रीड इट एंड देन वी आर टू आंसर द क्वेश्चन प्रेजेंटेड ओवर देयर, राइट? तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आपको मैं एक वर्ड का आंसर देता हूं जो नेक्स्ट टाइम आपको इसका देना है। क्या आप पहरे को समझे बिना उसका आंसर कर सकते हो? तो इट मींस अब आप समझ गए। डू यू कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई मीन टू से? डू यू कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई मीन टू से? इट मींस इट इज इन योर कॉम्प्रिहेंशन, इट इज इन योर कॉम्प्रिहेंशन व्हाट आई एम सेइंग, इट मींस अंडरस्टैंड। कॉम्प्रिहेंशन का वन वर्ड मीनिंग होता है अंडरस्टैंड। वॉइस लो है वो तो मैसेज है। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टाइम समबडी आस्क यू व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन, से इट्स अंडरस्टैंड, देन एलोबरेट योर आंसर। कॉम्प्रिहेंशन इज फर्स्ट थिंग इज इट्स अंडरस्टैंडिंग, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अ पैराग्राफ। जब उसको समझ गए तो फिर आप आंसर कर सकते हो ना, फिर आप आंसर कर लोगे। जब तक उसे अंडरस्टैंड, ये कॉम्प्रिहेंड करोगे तभी कॉम्प्रिहेंशन होगी ना, अंडरस्टैंडिंग होगी। तो नेक्स्ट टाइम, अब मैं आपके सामने, इफ हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को, तो मैं आपको एक ऐसा कॉम्प्रिहेंशन दूंगा जिसके अंदर 3 लाइन होगी, ठीक है? आपको एक भी वर्ड समझ नहीं आएगा, दुनिया का कोई भी डिक्शनरी, कोई भी गूगल कर लेना, आपको उसका मीनिंग नहीं मिलेगा। 3 लाइन होंगी, एक भी वर्ड समझ नहीं आएगा। आप कॉम्प्रिहेंशन को क्या है, गूगल भी नहीं है इसका, लेकिन जब आंसर करोगे ना तो 5 के 6 के 6 क्वेश्चन का आंसर कर लोगे, 6 के 6 क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। वो आपको समझाने का मतलब होगा कि एक्चुअली कैसे लोकेट करते हैं हमको। तो नेक्स्ट इज, जब हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे तो कैसे इसको डील करेंगे कि मैं अपना अपना आंसर लपने, बट ये होगा कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है? राइटिंग सेक्शन में फिर रिपोर्ट राइटिंग, आपका पैराग्राफ राइटिंग आपको सिखाऊंगा। वंस यू लर्न इट ना, एक ऐसी चीज है कि जो आपको सारी उम्र आपके साथ रहनी। इन टूल्स व्हाट हैपन्स, इट मे बी, एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं इसको वर्ड मे नहीं माइट कहूंगा, कि आपके ऊपर ग्रामर करवाई गई, आपको कॉम्प्रिहेंशन करवाई गए। फ्रेंकली बताना, इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ अ टीचर, आई एम जस्ट आस्किंग यू पीपल, क्या आपको कभी लिखने के लिए प्रमोट करा गया, कि आपको बोला गया कि यार ये चीज़ें लिख के लाओ, 4 पैराग्राफ लिख के लाना अपनी मर्जी से, अपने वर्ड्स यूज करके? डू यू डू इट? कितनी बार लिखे हैं? हर बार लिखते हो, तो फिर मैं भी कई टॉपिक दूंगा, मेरे को भी लिख के दिखाना। आई वुड लाइक टू से इट, एंड इफ इट इज़ गुड एनफ आई वुड लव टू पॉलिश यू। तो कहाँ बेटर हम हो, अच्छी बात है या अगर आप खुद कर, क्योंकि तो फिर तो हम सेल्फ सस्टेन्ड हो गए, फिर तो हर चीज़ को कर। वेरी गुड, वेल डन। तो हेडिंग नेक्स्ट जाओ, नेक्स्ट वन। अब ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं, जो अब आपको बता रहा था अब नेक्स्ट क्या होगा, राइट? तो हो नहीं रहा, अच्छा उधर आ गया, इनका भी यहाँ भी हो गया। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे ग्रामर की, पार्ट 3 राइटिंग से हट के। एक चीज, जब हम टॉपिक सामने आता है तो बड़ा टेंस हो जाते हैं, टेंस, ठीक है? तो मैं आपको 3 या 4 सेंटेंस दूंगा, आपको लिख के ट्राई करना है, तो फिर हम उसको देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। तो
पहले आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा मैं, तो वैसे लिख लो बट आई लास्ट यू क्वेश्चन। फर्स्ट वन, टॉपिक टेंसेस है, आपने टेंस नहीं होना, आपने अपनी लर्निंग को एंजॉय करना है। एंड इवन दोज आर सिटिंग ऑनलाइन एंड इफ आई एम ऑडिबल टू यू इवन यू कैन आंसर, आई थिंक यू शुड आंसर। अब दो क्वेश्चन, सेंटेंस वन एंड टू, आपको ये बताना है कि सेंटेंस वन में कौन सा टेंस यूज किया गया और टू में कौन सा यूज किया। आप सोच लो अपना आंसर, 30 सेकेंड लगाओ, 1 मिनट लगाओ, अपना आंसर लिख लो, खुद का वर्जन होना चाहिए आपके। ठीक है, अभी मेरे अकॉर्डिंग मेरे को आता ही है, और अगर नहीं आता तो फिर हम पीछे उस जो आपको कंफ्यूजन है ना उसको क्लियर करेंगे कि ये क्यों। सेंटेंस वन एंड टू आप उसके लिख के उसके पीछे आंसर लिख लो कि ये वाला है। वेल डन, एक ने कर लिया है, बाकी भी कर लो, टेक योर टाइम। ओके, तो अब आई होप वन ऑफ यू हैव डन इट, हैज डन इट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अब सबने कर लिया है, तो पहले का आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा टेंस? मैं सबका ही आंसर लिखूंगा क्योंकि हाँ जी, योर आंसर सिंपल प्रेजेंट कौन सा होता है, मेरे को आता है। व्हाट शुड आई राइट? सिंपल प्रेजेंट मींस प्रेजेंट इंडेफिनेट कंटीन्यूअस परफेक्ट और ओके सिंपल, आप जिसको कहते हो प्रेजेंट इनडेफिनिट। ठीक है, गुड। किसी का अलग आंसर है तो वो बताओ पहले, सेम, यू एग्री? ठीक है, हाँ, वेरी गुड। मैंने यही तो क्वेश्चन पूछने हैं बाद में। अब एक टीचर आता है पहले दिन आपको, वेरी गुड, अपने अपने आप कोई और भी बताना चाहो, बिकॉज यू हैव गॉट अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यू कैन एक्सप्रेस एज मेनी टाइम एज यू कैन। Now let's come to the point. A teacher arrives in your class day one. एक teacher आया और उसने आपको कहा कि आज हम tenses करेंगे। ठीक है, वो कहता है कि चलो एक sentence है जो हम लिखते हैं और हम present indefinite करेंगे, जिसको आप simple present कह रहे हो, तो हम उसमें क्या करने वाले हैं, we'll use V1, S or ES if required and do and does for negative and interrogative. ठीक है, ये लिखा, sentence कुछ और आ गया। अब हम वापस आए पहले सेंटेंस, प्रेजेंट इनडेफिनेट क्यों, कहाँ है V1? कोशिश कर रहे हैं, होने दो गलत, जस्ट एंजॉय योर लर्निंग। पहला सेंटेंस आप कहते हो प्रेजेंट इनडेफिनेट है तो कैसे, फिर मैं आऊंगा कॉन्टिन्यूस वालों के पास, फिक्र मत करो, हम पहले इनडेफिनेट की बात करेंगे फिर कंटिन्यूस वालों को पूछेंगे उन्होंने क्यों बोला। तो पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, इज क्या है, इज V1 है, तो इसकी V2 कौन सी होगी, और थर्ड शाबाश, ट्राइंग, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। वो मैं आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, जो आपने कोशिश करी उसके लिए शाबाश। हाँ जी, हु एल्स, क्या होना चाहिए, इंडेफिनेट है के कंटिन्यूस है, इंडेफिनेट तो क्यों है, V1 का रूम तो नाउन है, वो तो वर्ब हो ही नहीं सकता, टाइड, वेरी गुड। आपको कंफ्यूजन से इतना बाहर निकालना है, नेक्स्ट टाइम समबड़ी आज बोलो क्या टेंस है, क्वेश्चन कौन सा बताओ, एंड यू वुड बी एबल टू आंसर वेरी क्विकली। वेल डन, हाँ जी, कंटिन्यूस वाले कंटिन्यूस कैसे, हाँ जी, ING तो ING नहीं, तो क्या करें फिर, इसीलिए तो मैं बोला आपको ग्रामर में आप इंजॉय करोगे जब हम आपको सेंटेंस, ये तो अभी शुरुआत है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी। प्रेजेंट इंडेफिनेट है, बिल्कुल सही है, कॉन्टिन्यूस नहीं, वेल डन, उनका आंसर भी ठीक है, ही हैज ट्राइड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लेकिन अब थर्ड वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आंसर जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट ही है, ठीक है, और इज ही फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी फॉर्म मैं बताता हूँ। एक्चुअली एक वर्ब होती है
पास थर्ड क्या होती है बीन, तो बी अकेला थोड़ा होता है, बी के साथ इज भी है, एम भी है और आर भी है, और वाज के साथ क्या है तो इज एम आर, सो इज वाज बीन, एम वाज बीन और आर वर बीन, तो अब इज कौन सी फॉर्म है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हाँ ठीक था, थर्ड मैंने बोला था ना वेल डन, बस वुड नहीं होती, बिल तो वुड की तो फिर बी टू तो विल का ही होगा, बी वाज बीन होता है, इज वाज बीन होगा, ठीक है। अब सेकंड वाले का आंसर, हाँ जी सेकंड वाला क्या है, वेल डन वेल डन, शाबाश, कोशिश के लिए शाबाश सर, आंसर गलत है आपका, कोशिश के लिए शाबाश, क्योंकि जब तक आप रिस्पोंड करना नहीं सीखोगे ना आपको आएगा ही नहीं, पका पकाया नहीं चाहिए हमें। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट जिसको आप कह रहे हो उसमें आना चाहिए हैज़र और साथ में क्या आएगा, तो इसमें वी थ्री कहाँ है फिर बताओ मेरे को, जंप मारा था छलांग लगा दी ओ वापस आ गया है ना, वी थ्री तो है ही नहीं, क्या करें फिर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या यूज करते हैं, वी वन, तो हैव भी तो वी वन है, तो ये देखो इसकी क्या होगी, हैज हैव दोनों ही फर्स्ट फॉर्म होते हैं, सेकंड कौन सी है, हैड, थर्ड कौन सी है, हैड, आई हैव 10 रुपीज, तो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट ही है, मेरे पास 10 रुपए हैं, ये पास्ट टेंस कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट टेंस होता है। अब मैं आपको उसका फर्क बता देता हूं, दो पास्ट टेंस की बात करते हैं, मैंने खाना खाया आई टुक माई फूड, मैंने खाना खा लिया है आई हैव टेकन माई फूड, लेकिन बोथ केसेस में खाना तो खा लिया ना, आई टुक माई फूड पता नहीं कब खाया, आई हैव टेकन माई फूड मतलब अभी अभी खाया, दोनों टाइम पे खाना तो खा लिया ना, मेरे पास 10 रुपए, ये पास्ट टेंस कैसे हो सकता, तो पास हो ही नहीं सकता राइट। तो अब इसका कितना टाइम है, 5 मिनट, अब इसमें आ जाओ, मैंने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूस है ना, ना तो मेरे को इंडेफिनेट के स्पेलिंग आते हैं ना मेरे को कॉन्टिन्यूस के स्पेलिंग आते हैं, लिख के दिखा हेड हम प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड इन प्रेजेंट मत लिखो, सिर्फ इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूस लिख दो, लिख लिया। चलो अब देखते हैं, सबने लिख लिया ना, लेट्स सी ठीक है कि नहीं, प्रेजेंट इनडेफिनेट, प्रेजेंट की तो जरूरत ही नहीं है, ए तो नहीं आया यहाँ पर, ये डेफिनेशन ए आया, हाँ वो अभी डेफिनेशन वाला करा था ना, तो ये डेफिनेट हो गया, ई एफ आई आई ना इसमें इनडेफिनेट, ठीक है वेल डन, जिसका भी ठीक है, तो अब सेकंड वाला देखते हैं किस किसका ठीक है, चेक करो अपनी नोटबुक, ये यू आपकी मिस है, किसी ना किसी की ये यू मिस है, मेरे को ये पता है ये यू मिस है ना, हाँ कैमरे में दिख रहा है, कैमरे में दिख रही है यू आपकी मिस हुई है, सी ओ एन टी एन आई एन यू ओ यू, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि पहला यू हम मिस कर देते हैं, कॉन्टिन्यूस है वर्ड तो कॉन्टिन्यूस में ये यू आना जरूरी है, इसके बिना नहीं बनती बात। अब जब हम बात करते हैं नेक्स्ट राइटिंग सेक्शन, क्योंकि छोटी छोटी एक बात करनी है अभी इसमें, अब राइटिंग सेक्शन में क्या होता है, जब ग्रामर में हम राइटिंग सेक्शन में आ गए तो जो कॉमन चीज है ना आपका रिपोर्ट राइटिंग राइट, अगर मैं मान लूं आपको बोलूं मैं कि रिपोर्ट लिखनी है आपको, आज स्कूल में या सारा दिन में क्या क्या करके आए, तो कौन सा टेंस एक्चुअली यूज होना चाहिए, कौन सा पास्ट, पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है, बी वन नहीं बी टू राइट, बी टू
रिपोर्ट राइटिंग इज रिटन इन वी टू दैट इज पास्ट इंडेफिनिट, सिर्फ सेकेंड फॉर्म यूज करता हूँ। चलो एक सेकेंड फॉर्म यूज करके देखते हैं क्या हम सही यूज करते हैं। तो एक सेंटेंस का लिख रहा हूँ आपको, सिर्फ मेरे को बताना है। पहले हम आई सॉ अ ड्रीम, पहले ये तो बताओ सेंटेंस ठीक है कि गलत है। ओके वेल डन। तो आपको ना जब मैं बोलूँ 1 2 3, 5 सेकेंड के लिए अपनी आंखें बंद करनी है, ठीक है? तो 1 2 3 क्लोज योर आइज। आप कुछ देख रहे हो? अच्छा फिर आंखें खोलो। फिर सपना कैसे देख लेते हो आंखें बंद करके? सेंटेंस क्या लिखा है मैंने? सो अ ड्रीम, मैंने सपना देखा। सो रहे होते आंखें बंद होती है, फिर सपना दिख कैसे जाता है? तो सपना देखा नहीं जाता, सपना आता है या लिया जाता है, ठीक है? तो 100 गलत है, ठीक है? 100 पंजाबी में चलेगा, मैं सपना वेख्या, मैंने सपना देखा, उसमें चलेगा। इंग्लिश में सा नहीं आएगा क्योंकि दे बिलीव इफ यू हैव योर आइज क्लोज हाउ कैन यू सी अ थिंग, तो नहीं देख सकते ना। तो इसमें क्या होगा? 100 गलत है। तो अब इसको चेंज करें तो क्या आएगा? आई हैड अ ड्रीम। अब आई हैड ए ड्रीम, ये कौन सा टेंस है, कौन सा पास्ट? कैसे पता चला? अभी बताया था, वेरी गुड, अभी बताया था ये सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट। हैड इज वी टू, आई हैड अ ड्रीम, ठीक है? मैंने सपना देखा। अब मैं चाहता हूं कि इसको हम पास्ट परफेक्ट बनाएं। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है? अब आप इसको पास्ट परफेक्ट बना सकते हो मेरे लिए? करो ट्रांसफॉर्म, करो कोशिश। आप इस सेंटेंस को हमने प्रेजेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, हम इसको पास्ट परफेक्ट बनाना है। बना के दिखाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश, होने तो गलत कोई बात नहीं, आंसर आपको आता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो, अभी पीछे मैंने बताया था कुछ, और आपने जो चीज़ अभी पकड़ ली थी उसको आगे लेके चलो। अभी आपने बोला ये वी टू है इसलिए है क्योंकि हैड है, तो अब मेरे को पास्ट परफेक्ट बनाना है। पास्ट परफेक्ट में यूज़ क्या करेंगे हम? हैड प्लस वी थ्री, तो वी थ्री ढूंढो फिर कहीं से, तीन तो फिर गलत हो जाएगा, सपना तो देखते ही नहीं है। वो अभी बोला ना 100 तो गलत है, तो अब कहाँ करें, क्या क्या करें? लेके आओ वी थ्री, तो ढूंढनी पड़ेगी, मज़ा नहीं आएगा ऐसे। वो तो मैं सपना हो गया, आई हैड मी द ड्रीम, मैं खुद सपना हूँ, आपके सामने पड़ा है, आपको दिख नहीं रहा, चीज प्लेट में ही आपके सामने है, आपने आंखें बंद कर ली हैं, बिल्कुल आपके सामने बोर्ड पे ही लिखा पड़ा है। एंड शाबाश, कोशिश करो, होने दो गलत। आई हैड, सामने है, ढूंढ लो। चलो एक कोशिश करता हूँ, मैं आपको पीछे एक हिंट देता हूँ, पीछे वाले में देखते हैं। अभी यहाँ लिखा था ना हेड की फॉर्म, ये फॉर्म याद है? हेड हेड, ठीक है ना, हैज ए फर्स्ट फॉर्म, हेड हेड सेकंड। हाँ जी, तो आप ध्यान दे सकते हो ना, अगर हेड हेल्पिंग वर्ब है तो हेड मेन वर्ब भी तो हो सकता है। तो अगर मैं लिखूं I had had a drink, बोल तो रहा हूँ आपके सामने ही है सब कुछ। पहला had जो है वो helping verb है, ये helping verb है। दूसरा had है वो V3 है, तो had had दोनों आ सकते हैं। और अगर इसमें और आपकी help करता हूँ, मान लो आपको लगे ये क्या sentence है, had had भी हाँ हो सकता है। ये double, देखो had double role अदा करता है ना, एक had helping verb है, एक had main verb है, तो दोनों ही आ सकते हैं। हेड के साथ फॉर्म कौन सी चाहिए? तो हेड V3 भी है। अब मान लो आपको लगे नहीं अच्छा लग रहा, सुंदर नहीं लग रहा, हेड हेड थोड़ा लगाते होते हैं सेंटेंस, ठीक है? तो आपके पास एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है, हम हेड को हटा देते हैं, इसकी जगह एक और वर्ड ढूंढ लेते हैं। तो ड्रीम की थर्ड फॉर्म ढूंढ लो। तो अब हम सेंटेंस लिखते हैं, बताना मेरे को कौन सा ठीक है। आई हैड ड्रीमटर ड्रीम, एक ये वाला, हाँ जी, दूसरा है आई हैड ड्रीम्ड अ ड्रीम,
कौन से वाला ठीक करें, पहले वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाले हाथ ऊपर करो, सेकंड वाले। अच्छा कोई दोनों वाला तो नहीं है ना कोई, तो दोनों ठीक है। आप दोनों में कोई भी यूज करोगे दोनों ठीक है। आई हैड ड्रीम्ड अ ड्रीम भी ठीक है, आई हैड ड्रीम की दोनों ही फॉर्म होती हैं, ड्रीम की ड्रीम्ड भी होती है और ड्रीम्ड भी होती है, दोनों ठीक है। अब देखो आप टेंसेस को जैसे कब कितने धीरे 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 कन्फ्यूजन दून और लगे, दो हेड भी इकट्ठे लग सकते। ठीक है, विल कंटिन्यू, अब सर क्लास लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू वुड एंजॉय योर लर्निंग एंड यू विल कंटिन्यू एंजॉइंग इट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आवाज़ गई नहीं सर, आवाज़ गई।